गुड मॉर्निंग बच्चों, कल ऐसे डेरिवेटिव्स का अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और आज हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की, एसिड हैलाइड्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, जहाँ पर कोई भी हेलोजन हम अटैच कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसाइल हैलाइड्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज एसाइल या एसिटाइल क्लोराइड। नामकरण हम देखते हैं इसमें, इन IUPAC नॉमेनक्लेचर द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय ऑयल हैलाइड इन एसिड। ये आप सबने 12th में भी पढ़ रखा होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट हम देख रहे हैं HOCl, जिसे हम कह रहे हैं एक कार्बन है तो फॉर्माइल क्लोराइड। CH3COCl का जो रूट नेम है नॉर्मल, उसे हम कह रहे हैं एसिटिल क्लोराइड। जबकि तीन कार्बन आ गए तो प्रोपीन ऑयल और चार कार्बन की श्रृंखला में ब्यूटेराइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड को यहाँ पर IUPAC के अकॉर्डिंग हम कहेंगे मेथनॉइल क्लोराइड। तो ऑयल यहाँ पे हमने एक तरह से सफिक्स ऐड किया है। ये तो बात हुई नामकरण की। बात करते हैं प्रिपरेशन की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियाँ हम कैसे करें। सबसे पहले हम बना रहे हैं इसको एसिड के थ्रू। एसिड से हम कैसे बना सकते हैं, अभिक्रिया करवाई है इसमें एसिड की फॉस्फोरस हैलाइड के साथ या थायनिल क्लोराइड के साथ। RCOOH रिएक्ट विथ PCl3 एंड वी गेट RCOCl। सेम थायनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर हम एरोमेटिक सिस्टम लेंगे तो बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, और बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया जब थायनिल क्लोराइड से हो रही है तो बेंजोइल क्लोराइड हमको मिलेगा। SO2 रिलीज होती है और हाइड्रोक्लोराइड भी यहाँ पर बनता है। सेकेंड मेथड है यहाँ पर सॉल्ट के थ्रू। दो ही मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम एसिड एंड फ्रॉम सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स विथ PCl3 और PCl5 या थायनिल क्लोराइड एंड वी गेट एसाइल हैलाइड। तो दोनों में ही सेम चीज़ है। यहाँ पर सॉल्ट हमने लिया है CH3COONa, सोडियम एसिटेट। दोनों ही रिएक्शन इसके प्रिपरेशन की और बहुत ही सिंपल है। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। एक तो हम देख रहे हैं वही सेम आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लोअर मेंबर ऑफ एसाइल हैलाइड्स हैव पंजेंट स्मेल, कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं होता है इसमें। और हायर मेंबर्स जो होंगे इसके, वो कलरलेस सॉलिड के रूप में मिलते हैं। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो जैसे कि पहले अपन ने कल देखा था इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, तो यहाँ पर इजीली इसमें होगी, प्रोसीड होगी, और क्लोराइड ग्रुप जो है वो रिमूव होता है इसमें और हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर बनाता है। सबसे पहले अभिक्रिया आएगी इसमें एसाइलेशन की, एसिटिलीकरण। दोज कंपाउंड्स इजीली रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड इन विच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल OH, NH2 एसेट्रा कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। अगर हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो एस्टर यहाँ पर बनेगा C6H5COCl। बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है इथाइल एल्कोहल के साथ और ये बनता है इथाइल बेंजोइट, एस्टर बनेगा। मैकेनिज्म हम देखें इसका, तो सबसे पहले जैसे इसमें सिस्टम ले रखा है एलिफेटिक, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। तो जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसमें नेगेटिवली चार्ज, काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और फिर ये ऐड होकर के इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें हम कह रहे हैं कि -H+ रिवर्सिबल साइन है, ऐड भी हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है और फाइनली हमको मिलता है इथाइल एसिटेट। वाटर के साथ ऑन हाइड्रोलिसिस कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। ये देखो आप यहाँ पर, जैसे ही हमने वाटर के साथ अभिक्रिया कराई है तो उसी के संगत हमको अम्ल मिलता है। एसिटिल क्लोराइड लिया है हमने, तो एसिटिक एसिड अपने को यहाँ पे मिलेगा। इसकी क्रियाविधि भी सेम वैसी ही है जैसे हमने कल देखी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऐड होकर के संक्रमण अवस्था बनेगी और फिर यहाँ पर रिमूव होता है इसमें लिविंग ग्रुप का। विथ अमोनिया एंड एल्काइल एमीन, एसिटिल क्लोराइड की अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये बनता है एसिटामाइड। ये भी डेरिवेटिव ही है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह से आगे हम और देख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई है तो बेंजामाइड बनेगा।
हाइड्रोक्सिल एमीन NH2H के साथ अभिक्रिया करने पर ये बनेगा हाइड्रोक्सेमिक एसिड, जबकि हाइड्रेजीन के साथ करते हैं तो ये बनेगा हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रेजाइट। अब आते हैं अपचयन क्रिया पर। रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ हाइड्रोजन एंड पैराडाइज्ड और प्लेटिनाइज्ड बैरियम सल्फेट गिव्स एल्डिहाइड, बट रिएक्शन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म्स प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर अपचयन कारक क्या ले रहे हैं। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ले रहे हैं तो हमको एल्डिहाइड इस तरह से बनता है, लेकिन अगर हमने रिडक्टेंट चेंज कर दिया, जैसे एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अपचयन अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो ये उसको अपचयित करेगा इथाइल एल्कोहल में। अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMGX सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर FeCl3 के साथ, तो ये बनेगा यहाँ पर कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एसाइल क्लोराइड फॉर्म्स एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया हो रही है और एसिटोफिनोन अपने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड सोडियम एसिटेट के साथ अभिक्रिया करने पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड फाइनली बनेगा ये पायरुविक एसिड जब हम इसको जल अपघटन करवाएंगे अम्लीय माध्यम में। विथ ईथर रिएक्शन विथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड विथ ईथर फॉर्म्स एस्टर एंड एल्काइल हैलाइड एंड द लास्ट वन इज हेलोजिनेशन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ग्रुप दैट इज क्लोराइड इन एसिटिक एसिड कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा कार्बन एटम इज मोर एक्टिव सो हेलोजिनेशन टेक प्लेस इजीली एट अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पर क्लोराइड की वजह से जो एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर अल्फा कार्बन पर आराम से हेलोजिनेशन होगा, ये देखो आप, और ये बनता है अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइल क्लोराइड। तो ये जो आज अपन ने देखा है बच्चों, ये एग्जाम्पल था एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का। कल हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे।